नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर किशोर मंच के इस चैनल पर, जिसे आप देख रहे हैं तमाम अपने टीवी चैनल्स पर और यूट्यूब की स्क्रीनिंग के माध्यम से। और मैं हूं राहुल, और आज का एक खास विषय लेकर हम आपके सामने आए हैं। स्वयं प्रभा चैनल नंबर 31 पर इन सब कार्यक्रमों का, इन सेशंस का हम सीधा प्रसारण करते हैं, और अपने साथ लेकर आते हैं एक गेस्ट जो आपको बताते हैं अपनी एक्सपर्टीज के आधार पर, और आपका जो ज्ञानवर्धन होता है घर बैठे, उसी का हम सबका ध्येय है ताकि ये सेवा हम सतत रूप से जारी रख सकें। तो इस सत्र को शुरू करने से पहले मैं अपने दो टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी आपको बता देता हूँ, जिनके जरिए आप हमारे साथ आसानी से जुड़े रह सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1-800-111-265 और दूसरा नंबर है 1-800-112-199। ये दोनों टोल फ्री नंबर हैं जिनके जरिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी cieet.kishormanch@gmail.com। इसके अलावा तमाम टीवी चैनल्स पर आप हमें देख सकते हैं, और इसके अलावा यूट्यूब पर NCERT के ऑफिशियल चैनल पर भी इस सेशन की लाइव स्ट्रीमिंग जारी है, उसके माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बेहद ख़ास, क्योंकि बच्चों से वो जुड़ा हुआ है, और जो सब्जेक्ट है वो है मेंटल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि जो उनका मानसिक संतुलन हो बहुत बेहतर हो और वो स्वस्थ हों मानसिक रूप से, ऐसा हमारा आज का विषय है। और हमारी जो एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मिस दीपमाला, उनके साथ हम जुड़ते हैं और वही आपको बताएंगी कि आज के विषय में क्या है खास। आइए उनका स्वागत करते हैं। दीपमाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। जी, आज का सब्जेक्ट है मेंटल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन, तो ये एक ऐसा विषय है जिसकी सबको सबसे ज्यादा जरूरत है आज के समय में, और वैसे तो हमेशा से ही रही है लेकिन आज इसकी महत्ता कुछ ज्यादा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगी और कैसे उन्हें समझाएंगी? राहुल जी, बिल्कुल ठीक है। मेंटल वेलबींग को आज नहीं, हमेशा से ही लाइफ की जरूरत है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली टू लीव अ वेरी नॉर्मल लाइफ बट ऑल्सो कई बार कुछ, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं चैलेंजिंग सिचुएशन थोड़े से ज्यादा बढ़ गए हैं जी, तो तब हमें एक्चुअली अपनी वेलबींग को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल कई बार दिखता है। हमें लगता है जब सिचुएशन हमारे साथ के नहीं है, हाउ कैन वी बी हैप्पी, हाउ कैन वी बी नॉर्मल, हाउ कैन वी बिहेव, और हाउ कैन वी एक्ट समथिंग इन अ बैलेंस वे, वो बहुत मुश्किल होता नजर आता है क्योंकि हमारे सर्कमस्टेंसेस हमारे पर हावी हो रहे होते हैं, हमें नहीं समझ में आता। और हमारे व्यूअर्स जो कि बच्चे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, उनको इस स्टेज में उनकी लाइफ में पहले ही इतने हार्मोनल सेक्सुअल स्टेज में, तो एडोलेसेंट जब आती है तो ऑलरेडी दे हैव सो मच ऑफ एनर्जी, सो मच ऑफ हार्मोनल शिफ्ट्स की ना वो कोप अपने आप से भी करने के लिए उन्हें ना वो चैनलाइजेशन का माध्यम अगर इस टाइम पर नहीं मिल रहा है तो बहुत मुश्किल हो रही होगी, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है जी। तो उनके ऊपर नेगेटिविटी जरा जल्दी हावी होने लगती है, लेकिन वही तो हमारी धरोहर है और उनको भी ये बात रियलाइज करने की जरूरत है कि वो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी नेशन के लिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए, हमारे यूथ आर द रियल पावर, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी हैप्पी, स्ट्रांग, रेजिलियंट, इमोशनली स्टेबल एंड इनकल्केट मोर अदर स्किल्स। तो ठीक है, आजकल थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा है, लेकिन इसी तरह का माहौल ही तो उनको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिसमें कि वो सीख पाए कि किस तरह से अपने आप को ग्रो करे, किस तरह से इमोशनली स्टेबल रहे, किसी तरह से सक्सेस की तरफ डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस, आज एक तरह का चैलेंज है तो किसी और तरीके का होगा, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, उनको ओवर पास करते हुए किस तरह वो अपने गोल्स और सक्सेस की तरफ बढ़ पाए, इन सब चीजों के लिए हमें एक वेलबींग की स्टेट में रहने का बहुत ही जरूरी होता है और रहना चाहिए भी फॉर आर हैप्पीनेस आल्सो। इट्स नॉट ऑलवेज अप टू टुवर्ड्स द सक्सेस एंड गोल, बट इट इज आल्सो अबाउट आवर हैप्पीनेस, वी हैव टू बी हैप्पी, दैट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द लाइफ, राइट। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे इस बात को समझे कि सबसे पहले खुद से प्यार करे, सबसे पहले खुद पे ध्यान दे, तभी वो दूसरों पे दे पाएंगे। बिल्कुल, right? जैसा आपने यहाँ पर कहा, मुझे एक बात मुझे आपकी जो बहुत भाग गई आप कह सकती हैं, या मैंने उस पर ध्यान दिया, वो ये कि शायद एक बहुत महीन रेखा है, एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है सक्सेस और हैप्पीनेस के बीच में। तो वहाँ पर कोप अप करना जो है आज अर्ली स्टेज में, जब बच्चे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, और आज हमारा टॉपिक भी कुछ यही है, एम्ब्रेसिंग पॉजिटिविटी इन लाइफ। तो एक सक्सेस, एक पॉजिटिविटी, और जो आपने कहा वो, इन सब चीज़ों को कैसे हम इनके बीच में सामंजस्य बिठा सकते हैं? कोऑर्डिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट।
देखिए इसलिए ले सबसे पहले कई बार खुद पे रिफ्लेक्शन की जरूरत है, और ये रिफ्लेक्शन इसी एज में शुरू हो जाना चाहिए। व्हाट इज सक्सेस? क्या राइट सक्सेस आज का मेरा स्कोर है, या सक्सेस मेरा 10 या 20 साल या 35 साल बाद मैं अपनी लाइफ को कहाँ देखती हूँ या कहाँ देखता हूँ, उस पर जी डिपेंड डिटरमाइन करता है। राइट, वी शुड हैव अ ब्रॉड ब्रॉड गोल विजन टुवर्ड्स आवर लाइफ। राइट अगर हम उस गोल पर फोकस रखेंगे अपने आप को, तो वी शुड नॉट बी वेवर्ड। अगर हम लाइफ की हर एक छोटी चीज से हिलने लगेंगे, तो हम अपने सक्सेस अपने गोल्स की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए जहां तक पॉजिटिविटी की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं एम्ब्रेसिंग पॉजिटिविटी इन लाइफ, तो वो यही शुरुआत है कि हम एक ऐसा एटीट्यूड और बिलीफ अंदर अपने अंदर डेवलप कर पाए कि कोई बात नहीं, शायद आज चीजें ठीक नहीं है, शायद आज मैं अपने गोल में सक्सीड नहीं हुआ, लेकिन आई विल बी सक्सेसफुल एंड आई एम सक्सेसफुल। दैट जी डजंट डिटरमाइन द एंटायर सक्सेस ऑफ माय लाइफ। आपका एक लाइफ का सर्कमस्टांस या कुछ सर्कमस्टांस पर एक फेज भी आता है कि लाइफ आपको फेवर नहीं कर रही होती है, वो आपकी लाइफ की ओवरऑल वेलबींग को डिटरमाइन ना करे, वो आपके फ्यूचर सर्कमस्टांसेस को ना डिटरमाइन करे। जी लाइफ इज ऑलवेज मोमेंटरी, इट इज चेंजिंग, एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग, टुडे इट इज समथिंग एल्स। इवन इफ सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आज की दुनिया में हम देख रहे हैं, वी शुड बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। आप देखिए पिछले साल क्या था और आज क्या है, लाइफ कब जी बदल जाती है, वी आर नॉट श्योर। राइट, तो राइट हम एक ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है, एक ऐसे बिलीफ डेवलप करने की जरूरत है, इट इज ओके, थिंग्स विल बी फाइन, इफ इट वाज नॉट सो अर्लियर इट विल नॉट बी सो इन फ्यूचर आल्सो, इट विल डेफिनेटली चेंज। राइट, और एक ट्रूली पॉजिटिव पर्सन हम उसी को कहते हैं जो इस तरह के सर्कमस्टांसेस से जितनी जल्दी अपना आत्मविश्वास ना खोए। वो जी आत्मविश्वास ऐसी एक चीज है जो आपके साथ जिंदगी भर रहती है और रहनी चाहिए। जिस दिन वो डगमगा जाता है, उस दिन शायद आप फेल होने लगते हैं, तो जी इट शुड नॉट हैपन। बिल्कुल, आपने वही बात जो है रिमाइंड करा दी कि जब कोई भी एक हमारे वो हुए हैं, मतलब कहना चाहिए कि एक विद्वान हुए, उन्होंने यही कहा था कि आप कहीं भी जाएं अपना आत्मविश्वास अपने साथ लेकर जाएं, और आत्मविश्वास ही आपको वो शक्ति देगा जिससे आप शायद सक्सेस यानी सफलता और हैप्पीनेस यानी खुशी के बीच में जो एक मामूली सी दरार है, बहुत बारीक सा जो डिफरेंस है, जैसा मिस दीपमाला ने बताया, मुझे लगता है कि बच्चों को ये ज़्यादा अच्छा समय है ये जानने के लिए कि हैप्पीनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और जैसे आपने कहा कि एम्ब्रेसिंग पॉजिटिविटी इन लाइफ, और जब पॉजिटिविटी आपके चारों ओर होगी तो जाहिर सी बात है खुशियाँ भी आपके चारों ओर होंगी और आप प्रसन्न रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और दीपमाला जी इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑथेंटिकेट कर सकती हैं, वैलिडेट कर सकती हैं, तो ये आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो डिफरेंस है, जैसा मैंने आपसे पहले भी पूछा था, बहुत माइन्यूट है, और सक्सेस के मायने क्या हैं? क्या ये चीज़ें परमानेंट हैं या आती जाती रहने वाली हैं? लेकिन जो हैप्पीनेस है वो तो एक कंटिन्यू प्रोसेस रह सकता है, क्योंकि समय तो बदलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, समय तो बदलेगा, बस एक यकीन विश्वास सबसे पहली जरूरत है। अगर ये विश्वास को आपने नहीं हिलने दिया, तो लगभग मान लीजिए सारी जनता आप जीत गए हैं। ठीक है ना? देखिए जी जब हमें लगता है, कई बार हम सब पर सर्कमस्टेंसेस हावी हो रहे होते, कई बार हमारे सामने कुछ और दिख रहा होता है, इनफैक्ट मैंने देखा भी कई बार बच्चों को हम समझाने की कोशिश करते हैं, इट्स ओके थिंग्स विल बी फाइन एंड दे विल शाउट एट, क्योंकि वो इतने अग्रेसिव मोड में होते हैं ना, मतलब जी पेरेंट्स हमारे सेशन को देख रहे हैं, तो पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलबींग को और उस पॉजिटिविटी को कई बार रिस्टोर करना रखना, और मतलब आई मीन संयम से काम लेना जिसे हम कहेंगे ना हिंदी में बच्चों के साथ, तो बिल्कुल, क्योंकि वो उस स्टेट में प्रेजेंट में बिलीव कर रहे हैं, तो कहते हैं कि नहीं आपको दिख नहीं रहा है कि आई हैव नॉट स्कोर्ड वेल इन द एग्जामिनेशन, कैन नॉट यू सी इट, हाउ कैन बी आई बी हैप्पी। राइट राइट, यू कैन सी आई हैव फेल्ड इन माई स्पोर्ट्स मीट, मैंने पूरे साल तैयारी की थी, लेकिन फिर भी ना ऐसा भी होता है। जी आप सब अपने अपने एरिया में सारे बच्चे कहीं ना कहीं एक्सेल कर रहे होंगे, हर बच्चे का अपना एक यूनिकनेस है, दे मस्ट बी शाइनिंग इन देयर यूनिक वे, लेकिन कहीं पर कई बार हमारे को लगता है कि हम उतना नहीं कर पाए जितनी हमने मेहनत की थी और जितना शायद हम डिजर्व करते थे। जी तो पेरेंट्स को या हमें कई बार खुद को, जब तो सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट, यू आर मूविंग टुवर्ड्स एडल्टहुड, यू हैव टू लर्न दिस, टाइम विल पास, सो इज द फीलिंग। तो 2 मिनट के लिए आप एकदम से देखिए कि रोते हैं बच्चे को समझाने जाते हैं ना, आप एक छोटे बच्चे के साथ कैसे बिहेव करेंगे, जी उसे समझने की कोशिश कीजिए, तो नहीं समझेगा, वो स्टेट में नहीं है। तो सबसे पहले यू एक्सेप्ट योर फीलिंग, अगर आप अपनी उन एक्सेप्ट
फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो दे विल रिटेलिएट बैक एंड दे विल नॉट लिसन टू यू. समझने के लिए कॉग्निटिवली कोशिश ही नहीं करेंगे बच्चे. तो इसलिए इट्स ओके व्हाटएवर इन व्हाटएवर स्टेट दे आर, टेक अ पॉज, लेट देम बी, ऑब्जर्व एंड टीच देम आल्सो. ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो फीलिंग्स थी जो पहले 9, 8, 10 पे ऑपरेट हो रही थी, दे वर सो अपसेट, दैट्स व्हाई द किड वाज क्राइंग, दैट्स व्हाई द चाइल्ड वाज क्राइंग, राइट. तो वो थोड़ी देर में देखेंगे आप महसूस करते हैं कि वो फीलिंग्स थोड़ा सा नीचे 6 की तरफ आ गई है 9 और 8 से, राइट. तो ओवर द टाइम जिस तरह आपकी चीजें टाइम के साथ नहीं रुकती, आपकी फीलिंग्स में ही नहीं रुकती, लेकिन वो फीलिंग्स बार बार आपके पास इसलिए रुकी है कि आप उनको सुनना नहीं चाह रहे, दे वांट यू टू एक्नॉलेज देम. तो थोड़ा टाइम लीजिए, उनको सुनिए और बोलिए थैंक यू सो मच, आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी. ठीक है, आपने उनको सुना, थोड़े टाइम में आप देखेंगे फीलिंग्स विल ऑल्सो पास. जैसे ही वो पास होती है, देन ट्राई टू चैलेंज योर स्टेट ऑफ माइंड. इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. जब आप डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, इट्स नॉट वन वे प्रोसेस कि मैंने समझाया भी अपने आप को, लेकिन फिर भी मेरे को दुख हो रहा है, फिर भी मैं डिफीटेड फील कर रहा हूँ, या मैंने बच्चे को समझाया लेकिन वो समझ नहीं आ. इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. यू हैव टू कंटीन्यूअसली चैलेंज योर स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी. इवन द बॉडी, द बॉडी इज ऑल्सो रिएक्टिंग टू योर सर्कमस्टेंसेस. तो आपको जरूरत है उस चीज को एक्नॉलेज करना, रिएक्शन को फर्स्ट, इट्स ओके आई एम रिएक्टिंग इन दिस वे, आई एम फीलिंग इन दिस वे, आई एम थिंकिंग इन दिस वे. ठीक है, आपने जब समझ लिया, अब आपको जरूरत है, जब आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया, यू विल सी योर फीलिंग्स विल डेफिनेटली कम डाउन फ्रॉम द स्टेट ऑफ 8, 9 to 5 or 6. फिर आप अपने उस पर काम करना शुरू कीजिए, समझाइए कि मुझे डिफरेंट माइंडसेट से काम करने की जरूरत है. If I keep on continuing working, आप खुद सोच के visualize करते रहिए. If you keep on crying, 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 the things will not be fine. The moment you feel a little happier or little you can relieved with your feelings, then try to deal with the circumstance from a different mindset. It doesn't mean कि you are denying your situation. It doesn't mean you are saying कि नहीं ठीक है सब कुछ खराब है नहीं सब कुछ अच्छा ही. Definitely you are acknowledging there is something bad happened, which should not happen. But you are taking charge of it, creating something positive now, here and now. Right? यहीं से आपने कुछ और अब क्या करना है मुझे, जो हुआ वो ठीक था लेकिन अब मैं अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए आगे क्या करूंगी. This is a continuous process that I am again and again focusing. It is not something एक दिन में या एक मिनट आ जाता है, कई बार कुछ दिन लग जाते हैं आपको. सुबह अपने आप को समझाइए, वैर आया को अपने आप समझाइए, देखिए कहाँ हूँ मैं अभी पॉजिटिविटी से कितनी दूर हूँ. शाम को फिर चेक कीजिए और फिर शाम को दोबारा रात को सोने से पहले चेक कीजिए जी. चेक योर फीलिंग्स वेयर आर एंड देन ट्राई टू वर्क ऑन इट. कैसे वर्क करेंगे वो हम इस सेशन में सीखेंगे, किस तरह से उस पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा जाएगा. राइट जी, वो ये कोप अप करना ही जो आप कह रही हैं, ये वाकई एक चैलेंजिंग काम है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनके सामने भी एक चैलेंज है, क्योंकि उनकी अपनी एक लाइफ है, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको दे हैव टू लुक आफ्टर देयर फैमिली. तो ये सारी चीज़ें जो है उनके ऊपर भी एक प्रेशर है, उनकी भी एक सक्सेस है, उनकी भी एक हैप्पीनेस है, और उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. जैसा कि आपने कहा कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, देयर गोल्स आर वेरी हाई. तो और किसी के भी गोल छोटे नहीं होते, होने ही नहीं चाहिए, जो क्योंकि जो मुझे लगता है छोटे होंगे वो गोल नहीं होते, वो महज चंद कदम होते हैं. और सक्सेस का कोई रेशियो नहीं है, वो एक समय की दरकार है मुझे लगता है कि जहाँ पर आप चलते जा रहे हैं अपने कर्तव्य पथ पर, और वो आपको रास्ते में मिलेगी, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम के लिए होगी, हमेशा बनी रहे वो तो संभव नहीं है. तो वहाँ पर जो माता पिता के ऊपर एक प्रभाव है, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रेशर है, वो कैसे उसको डील करें, क्योंकि ये भी एक मुझे लगता है करिकुलम में ही आना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फादर और मदर की ही है. बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है बच्चों को ये सिखाना. उसके बाद एज एन लर्नर हमारी हमेशा अपने लाइफ को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है खुद की. राइट, हमेशा जिंदगी में जब तक हम खुद की नहीं लेंगे, हम दूसरे की जिम्मेदारी कैसे लेंगे. तो सबसे पहले अपने ऊपर, love yourself, then only you can love others, right? Right. चलिए इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल जरूर कोट करना चाहूंगी राहुल जी. संग्राम सिंह को मेरे, I'm sure बच्चे देख रहे हैं तो वो सब जानते होंगे उनके बारे में. राइट, उनका एग्जाम्पल उन्होंने सुना होगा. वो बड़े अवार्ड विनिंग रेसलर है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है, वो काफी सारी चीजें में टीवी पर्सनालिटी भी है वो आजकल. राइट जी, तो उन्हीं की लाइफ हम देखकर समझ सकते हैं कि सक्सेस इज नॉट डिटरमाइंड फ्रॉम वन मोमेंट और फ्रॉम फ्यू ईयर ऑफ लाइफ. अगर आप उनकी लाइफ में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ
was an army man who belonged to a very physically fit family, but he was diagnosed with rheumatoid arthritis. एक छोटा सा बच्चा व्हील चेयर को कन्फाइंड था एंड ही शेयर्स इन हिज सेशंस कि मैं देखता था दूसरों को, मेरा भी मन करता था भागने का, मेरा भी खेलने का मन करता था, बट ही कुड नॉट. जी बट यू सी व्हाट ही हैज क्रिएटेड आउट ऑफ हिज लाइफ. नाउ ही इज अ रेसलर, राइट? यस. मतलब एक एवरेज इंसान से ज्यादा स्ट्रांग, फिजिकली फिट और मोटिवेशनल स्पीकर है, दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं. ही वाज एकेडमिकली आल्सो एवरेज स्टूडेंट इन द स्कूल, बट नाउ ही इज अ हेल्थ गुरु जो जी दूसरों के लिए टीचर की तरह काम कर रहे हैं, राइट? लेकिन इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स से लेकर हार नहीं मानी. उन्होंने नहीं माना कि ये मेरा सर्कमस्टांस मेरी लाइफ की डेस्टिनी को डिटरमाइन करता है. इनफैक्ट उन्होंने चैलेंज किया कि मेरी पुअर कंडीशन कंडीशन से सकता हूँ कि व्हाट इज द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इन द लाइफ. हेल्थ इज वेल्थ. ये बात उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की कि आज मेरे पास हेल्थ नहीं है तो आई कैन नॉट इवन प्ले, छोटी छोटी खुशियां मैं नहीं दे पा रहा हूँ. जी. उन्होंने डेफिनेटली उस पर काम किया, कई साल काम किया, उनके पेरेंट्स ने काम किया, एंड यू सी वेयर ही इज, राइट? इनफैक्ट उन्होंने उससे क्या सीखा, साथ में ये भी सीखा कि मुझे दूसरों की भी मदद करनी है. उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर का काम शुरू किया. ही इज वर्किंग विद एनजीओस, ही इज प्रोवाइडिंग फूड टू द पीपल, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए काम. ही इज वर्किंग सो मच. ही इज नॉट वर्किंग फॉर हिमसेल्फ, ही इज वर्किंग फॉर अदर्स ऑल्सो. लेकिन सबसे पहले खुद पे काम किया. अनलेस अंटिल वो अपनी उसी स्टेट में रहते तो क्या उसको दूसरे मोटे लोग सुनते? वो कहते हैं कि पहले अपनी हेल्थ को संभालो. बट ही सेड एवरीथिंग इज पॉसिबल. योर लाइफ इज नेवर बीन डिटरमाइंड विद योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस, योर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस. इट कैन चेंज, इट कैन डेफिनेटली चेंज, एंड इट इज चेंजिंग ऑल्सो. एंड ही हैज शोन प्रूफ ऑल्सो फ्रॉम हिज लाइफ. तो लाइफ हैज इमेंस पावर, लाइफ ऑलवेज हैव. तो बच्चों को इस तरह के inspirations पे देखना चाहिए. They should not believe whatever is happening in their life. That is the reality, right? That is the reality of the present circumstances. But the present circumstances are telling them क्या उन्हें बदलने की जरूरत है, क्या उन्हें कम करने की. मेरा failure सिर्फ मुझे ये बता रहा है कि मुझे कहाँ काम करने की जरूरत है. The moment you change your attitude, the moment you start embracing something good about the problem even, it is the most best thing about the positivity. Positivity is not something that सब कुछ अच्छा है और मैं सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें देख रहा हूँ. Even in problems you will see there is something good, there is always something good, but it is your attitude, you have to look for that, right? और नहीं, आप यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो भी सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो इंस्पायर तो करती हैं, लेकिन उनको जब आप पढ़ने बैठते हैं, उनके बारे में जब आप जानना शुरू करते हैं, तो उसमें एक संघर्ष की बहुत लंबी दास्तान और बहुत मुश्किल समय की ऐसी विषम परिस्थितियों की मुझे लगता है कि व्याख्या होती है, जिनको पढ़कर आपको लगता है कि. और इसीलिए शायद कहते हैं ना, विवेकानंद जी ने भी कहा है कि सफलता जितनी बेहतर होगी, रास्ता जो आपका है संघर्ष का, वो उतना ही मुश्किल होगा. तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है लाइफ का हिस्सा है. लेकिन यहाँ पर जो अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी लेवल की बच्चों की, माँ बाप यथासंभव कोशिश करते हैं कि कोई भी परेशानी बच्चों को ना आए, तो वो क्या सिर्फ एक एक ही चीज़ उनको देख रही परेशानियों, क्योंकि उनसे उनका सामना नहीं हुआ, वो देख रहे हैं सक्सेस का रेशियो देख रहे हैं सिर्फ, जो उनके आसपास लोग सक्सेसफुल हैं, सक्सेस के मायने उनके लिए कुछ भी हो सकते हैं. तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या ये नहीं है कि बच्चों को ये भी दिखाया जाए कि जो ये आप लाइफ जी रहे हैं, इसकी वजह ये है कि जो आपके पास मुश्किलें आ सकती हैं या जो मुश्किल समय आप देख सकते हैं, वो हम पहले ही आपके पास आने से पहले उसको रोक देते हैं. तो उससे मुझे लगता है थोड़ा उनका जो मेंटल वेलबींग है वो बढ़ेगी और मेंटली दे विल बी स्ट्रॉन्ग. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. माँ बाप ऐसा अक्सर करते हैं, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं. उन्हें लगता है सब कुछ अच्छा अच्छा देने से ही बच्चा अच्छा करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ ट्रू. आप अगर देखेंगे तो जनरली इतने एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अभी एक एग्जाम्पल मैंने दिया, आपने कहा विवेकानंद जी ने भी हमें यही रास्ता दिखाया है. जी. कभी भी अच्छे अच्छे होने से ही कुछ अच्छा क्रिएट हो, उससे भी होता है. लेकिन कई बार आपको अपनी परिस्थितियों का सामना, जो कि आपके फेवर में नहीं होती, करना ही पड़ता है. और उसको करने का सामना करना भी तो आपको सिखाने की जरूरत है. अगर एज अ पेरेंट आप सिर्फ अच्छा ही उनके सामने रखेंगे तो यू विल नॉट बी अराउंड चिल्ड्रन, विल नॉट लर्न हाउ टू डील विद डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. इससे ज्यादा बेहतर है कि आप उनकी लाइफ को ओपन रहिए, जैसी वो आ रही है उसे वेलकम कीजिए एंड से थैंक यू, और बच्चों को सिखाइए कि उन प्रॉब्लम से कैसे डील करना है. अगर आप अच्छा ही अच्छा रखेंगे तो डेफिनेटली दे विल नॉट लर्न टू हाउ टू डील विद इट. तो पेरेंट्स पर डेफिनेटली काम करने की साथ ही जरूरत है. बच्चे जिस स्टेज में है उसमें उनके साथ काम करके उन्हें काम खुद से करना सिखाने की जरूरत है. इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट. लाइफ आप हमेशा किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आप हमेशा किसी को ढूंढेंगे, लेकिन आपको
डिपेंडेंट होने की जरूरत है कि मुझ में ही इतना स्ट्रांग हूँ कि लोग मेरे पास आए। उसको सिखाने के लिए आपको सब ऑफकोर्स उनको प्रॉब्लम में डालना पड़ेगा। इट्स ऑल्सो लाइक जब आप बच्चे को बचपन में प्ले स्कूल ले जाते हैं या आप बच्चे को किसी एज में बच्चों ने जिमिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि वांट कि आपकी बॉडी थोड़ा सा पेन झेले तभी वो कुछ स्ट्रांग बनेगी, राइट। जी हम उसमें देख सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइजेस इन लेवल सिटिंग एंड लाइंग ऑन द काउच और एसी की हवा खाना। फिजिकल एक्सरसाइजेस इज वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, राइट। तो राइट वर्किंग हार्ड आपको अपनी मेंटल वेलबीइंग के लिए मेंटल एक्सरसाइजेस के लिए भी करना ही पड़ता है। तो करना ही पड़ेगा, अगर वो उससे बचेंगे तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे, राइट। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे लगता है यहाँ पर अभी जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ रहा है, हमारे पास टाइम भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और आप जो ये मेंटल वेलबींग की बातें बता रही हैं, आई एम श्योर इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। और हमारे साथ जो दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं टीवी चैनल्स के माध्यम से और NCERT के जो यूट्यूब पर हमारा लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है उसके माध्यम से, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करें 8 साल से 15-16 साल तक के बच्चों की, और इसी दौरान जो वो क्लासेस जिनको वो पार कर रहे होते हैं उनके आसपास बच्चे स्कोर कर रहे हैं, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि वो स्पोर्ट्स मीट का उसने साल भर मेहनत की और मैं ये नंबर 2 पर आया या नंबर 3 पर आया या मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया समहाउ। ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे रेगुलरली तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाए या कोई चोट लग गई अचानक और वो उस टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इन सब बातों का क्या तोड़ है? और मुझे लगता है यहाँ पर एक प्रिकॉशनरी कुछ टिप्स भी हो सकती हैं पेरेंट्स के लिए, बिल्कुल वो आपसे मैं जानना चाहूंगा, वो मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, यहाँ पर ही वही बात आ रही है, हाउ टू बी पॉजिटिव व्हेन यस थिंग्स आर नॉट इन माय फेवर, राइट। और मैंने पीछे भी कहा ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, इट इज नॉट समथिंग। तो जिस तरह अभी हमने फिजिकल एक्सरसाइजेस की बात की, देयर आर मेंटल एक्सरसाइजेस आल्सो, राइट। आपने बम्बल बी या हनी बी देखी, बम्बल बी देखी होगी आपने, है ना। वो जी आप देखते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाती है, दूसरे फ्लावर से तीसरे पर जाती है, एंड शी इज एंजॉयिंग द प्रोसेस। शी इज नॉट ट्राइंग कि इस फ्लावर में मुझे हनी नहीं मिला या उस फ्लावर पे ज्यादा अच्छा मिला, शी इज एंजॉयिंग द प्रोसेस। तो दिस इज अ काइंड ऑफ द एक्सरसाइज कि हमने उस जिसे सीख कर एक एक्सरसाइज डेवलप की जिसे हम कहते हैं सेवरिंग। व्हाट इज सेवरिंग? इट इज माइंडफुलनेस ऑफ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, राइट। इट अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन इट इज ऑल्सो यू हैव टू लर्न हाउ टू शिफ्ट योर माइंड सेट, राइट। तो हम भी जिस तरह एक तरह से दूसरे पे जाती है, यू स्टार्ट डूइंग दिस। इसे हम कहते हैं अगर आप पार्क में गए, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, तो पार्क में यू नोटिस समथिंग पॉजिटिव, राइट। प्रोबेबली टुडे वेदर इज गुड, राइट। वेदर गुड हुआ है, उसे एंजॉय कीजिए, उसे फील कीजिए काम चीज को, एंड देन लेट इट गो। इट्स नॉट स्टिकिंग ऑन फाइंडिंग समथिंग वन ओनली। जनरली ये होता है कि बच्चों को जो चीज पसंद है टीवी देखना पसंद है, तो जब भी वो स्ट्रेस में होते हैं वो म्यूजिक है। जी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो सेशन इस वक्त जारी है वो बहुत ही बेहतर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, और यहाँ पर माँ बाप के लिए जो एक टिप्स वो देना चाह रही हैं वो यही है कि आप ओवर प्रोटेक्टिव हैं, वो अच्छी बात है क्योंकि जाहिर सी बात है कि यू लव योर चिल्ड्रन, बट द थिंग इज़ यू हैव टू लेट देम अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिनेरियोज़। और इस वजह से अगर आप उन्हें ये सिखाते चलते हैं कि कैसे आप जो है उनके साथ मैं जुड़े रह सकते हैं। जी आपको मेरी आवाज़ मिल रही है दीपमाला जी? शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, आ गया है ना? जी जी बताइए। Am I visible? यस तो इसे हम कहते हैं माइंड पॉजिटिव एक्सपीरियंस। जनरली आप पहले एक चीज देखिए, नोटिस कीजिए, फील कीजिए, एंड देन मूव ऑन समथिंग एल्स। समथिंग पॉजिटिव नोटिस, अप्रिशिएट, फील, एंड देन मूव टू समथिंग एल्स। जैसे एक बम्बल बी मूव करिए, देन थर्ड, फोर्थ और फाइव, इस तरह 4-5 चीजें। इट्स एक्सरसाइज जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। इनिशियल हो सकता है आपको बोरिंग लगे, बोरिंग लगेगी क्योंकि बॉडी में आपका ना हैबिट ही नहीं है पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। आवर ब्रेन इज इवोल्यूशनरी बायस टू फील मोर टुवर्ड्स द नेगेटिविटी। नेगेटिविटी वन आफ्टर वन आप देखें ना, मीडिया कितना उस पर टैप कर रही है, एंकर कर रही है, क्योंकि हमें किसी को पुश करने की जरूरत नहीं, कल्चर नेगेटिविटी को ऑलरेडी इंजॉय करने लगते हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसे शिफ्ट आते हैं कभी कभी कि दे आर एंजॉयिंग दैट, राइट। उसके बाद हम बाद में करेंगे कि क्यों हम नेगेटिविटी इंजॉय करते हैं। दिस वे यू हैव टू इनकलकेट योर सेल्फ। हम एम्ब्रेसिंग पॉजिटिविटी की बात करें, किस तरह पॉजिटिविटी को एंजॉय करना, एम्ब्रेस करना आपने सीखना है। तो नोटिस, अप्रिशिएट एंड मूव, नोटिस, अप्रिशिएट एंड मूव, नोटिस, अप्रिशिएट एंड मूव, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिस। तो
पॉजिटिविटी को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। सेकंड एक्सरसाइज इज ग्रेटिट्यूड विजडम प्रैक्टिस। आई एम श्योर हम सब ने अभी कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा, बी थैंकफुल। आप देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि ग्रेटिट्यूड में आप माइंड पे ऑपरेट कर रहे हैं एंड सेविंग में आप एक्सपीरियंसेस पे फीलिंग पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो दोस पीपल हु आर मोर इमोशनल उनके लिए सेविंग ज्यादा हेल्प करती है। ग्रेटिट्यूड नाउ वी हैव टू लर्न टू डू इट। ग्रेटिट्यूड के लिए फर्स्ट एक्सेप्ट यस देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट राइट, आई एम फाइन विद इट, राइट। नाउ फोकस ऑन द गुड थिंग। सुबह उठते हैं तीन चीजों को अपने माइंड में बोलिए, यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग इट बट आई एम ग्रेटफुल, आई हैव द गुड फूड, I am grateful that I have my parents, supportive parents. I am grateful something X, Y, Z, L, M, जो भी आपके पास है, ऐसी चार पांच चीजें नोटिस कीजिए, राइट, एंड बी थैंकफुल। फिर उस एक्सरसाइज को आपको, लेकिन आपको जिस स्टेट ऑफ माइंड, मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इट इज नॉट वन वे प्रैक्टिस। जिस तरह अपनी बॉडी को आप ट्रेन किया है, दिन रात चलना सिखाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करके जिम करके बैठे किया है, मेंटल एक्सरसाइजेस भी आपको प्रैक्टिस करनी होती है। एंड देन यू इट एसेंशियल कि ब्रेन इतना स्ट्रांग है कि ऑलरेडी इट इज फोकसिंग ऑन द गुड थिंग, राइट। इसी तरह आप दिन में मूवमेंट्स रखिए, शेड्यूल रखिए इसका भी, कि मॉर्निंग का वेकअप टाइम में मैं इस करूंगी, खाने से पहले हमें प्रेयर्स में सिखाया भी जाता है स्कूल में, शाम को इस टाइम पर मैंने ये वाली ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज करनी है, राइट। इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस एंड चैलेंज एवरी डे। इस तरह से आप अपने आप को माइंड पर नेगेटिविटी से शिफ्ट कर पाएंगे, डाइवर्ट कर पाएंगे, राइट। स्टार्ट विद द स्मॉल स्टेप्स, क्योंकि जनरली ये होता है कि हमने एक दिन तो मेरे को ग्रेटिट्यूड एक्सपीरियंस करना, सेवा करना, एंड आई एम डूइंग इट डे एंड नाइट, पर दो दिन बाद में बोर हो जाते हैं बच्चे, तो स्टार्ट शिफ्टिंग कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है। रादर स्टार्ट विद द स्मॉल स्टेप, किसी भी गोल की तरफ जैसे आप पढ़ते हैं, एंड देन मूव टू द बिगर, राइट। आप थोड़ी देर के लिए एक एक मिनट का भी पॉजिटिव रखिए और उसको धीरे धीरे बढ़ाइए, राइट। थर्ड इज इमेजिन, राइट। आप विजुअलाइज कीजिए चीजों को, राइट। सेवरिंग हो गई, ग्रेटिट्यूड हो गया, नाउ विजुअलाइज व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, राइट। व्हाट इज द बिगर पिक्चर ऑफ योर लाइफ, इट शुड नॉट बी समथिंग कि आज का मेरा ये वाला स्पोर्ट्स मीट इज द एंड ऑफ माई लाइफ। व्हाट इज द बिगर पिक्चर इन माई लाइफ, एक दिन कॉलेज में अच्छे में जाना, वो इस वक्त एक बड़ा ड्रीम है, उसके बाद मुझे अपना एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोलना है। ये सारा विजुअलाइज कीजिए, गिव योरसेल्फ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। इट विल बिकम टफ जब हमें एक्चुअली वो कंक्रीट नहीं दिख रहे होते, तो करना कम मुश्किल हो रहा होता है, बट यू हैव टू डू इट, राइट। फॉलो योर ड्रीम्स, दैट इज अगेन नेक्स्ट स्टेप, राइट। आप अपना पैशन जब तक नहीं फॉलो करेंगे, यू कैन नॉट बी ट्रूली हैप्पी इन योर हार्ट, यू कैन नेवर बी। आप किसी और किसी ड्रीम्स के पीछे भागते रहेंगे, दैट इज अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस इन आवर लाइफ। हम जनरली उन चीजों को करते हैं जो हमें सिखाया जाता है कि ये तुम्हें करना है, टीचर ने बोला है वो करना है, मम्मी पापा ने बोला है वह करना है, वो तो करना है, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा टाइम दिन का एक घंटा अपने हॉबी अपने इंटरेस्ट के लिए रख सकते हैं। बहुत नहीं कह रही, ये नहीं कह रही आप अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए या अपने पेरेंट्स के ड्रीम छोड़ दीजिए, अपनी गर्ल्स छोड़ दीजिए, बट एक घंटा दिन का आप रख सकते हैं अपने ड्रीम्स। एक छोटी छोटी एक्सरसाइज है जो सुनने में काफी लग रही है, पर बहुत थोड़ा टाइम लगती है आपको, लेकिन इट विल फ्यूल यू, इट्स लाइक एन इंजन, राइट। जैसे कि आप अपनी कार में पेट्रोल डालते हैं ना, और कहीं पर जा रहे होते हैं वॉक पे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ड्राइव पे भी निकलते हैं, यू फील गुड, इट्स लाइक दैट, राइट। यू फॉलो योर जॉब्स, यू फॉलो योर थिंग्स, बट समटाइम यू कैन गो ऑन द ड्राइव ऑफ योर ओन ड्रीम्स, राइट। थोड़ी देर आपको पसंद है पौधों के साथ निकल के गार्डनिंग पर डेवलप कीजिए, हॉबी अपने इंटरेस्ट के साथ डेवलप कीजिए। आपको कलरिंग पसंद है, आपके अंदर एस्थेटिक सेंस है, तो यू कैन पेंट, नोबडी विल स्टॉप यू फॉर दैट। यू लव म्यूजिक, यू लव डांसिंग, यू कैन डू इट फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द डे, इट विल हेल्प यू रिफ्रेश, इट विल हेल्प यू योर डीलिंग विद योर स्ट्रेस, एंड इट विल डेफिनेटली एनहांस योर रेजिलियंसी आल्सो, राइट। देन बी, दिस इज द सिक्स्थ स्टेप आई एम टेलिंग यू, बट दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप। Be friend yourself. सबसे पहले अपने दोस्त खुद बनिए। Never, never look for the others for the validation. Never look for the others for confrontation. Never look for others for smoothie. Right? ये सब चीजें आप अपने अंदर लाइए। एक मदर अपने छोटे बच्चे को रोते हुए क्या करती है जब वो परेशान होता है? Hug करती है, प्यार से embrace करती है, accept करती है, it's okay, you fall down, but उसकी फिंगर पकड़ के उसे दोबारा चलना सिखाती है। This is what you need to do with yourself. Yes, it's okay, I'm failed today. It's okay, I could not achieve what I wanted. Maybe you are not failed. Maybe you have only achieved the second position, but you were aspiring to something else. Right.
कंफर्ट योर सेल्फ, सूद योर सेल्फ कि ठीक है कोई बात नहीं है, बट आई ट्राई एंड आई विल डेफिनेटली गेट इट. तो सेल्फ लव इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अ पर्सन हु इज लैकिंग ऑन सेल्फ लव कैन नॉट बी पॉजिटिव, कैन नेवर बी पॉजिटिव, क्योंकि आप अपनी सोल को किल कर रहे हैं. तो अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए. देन लास्ट, प्लीज मेडिटेशन को एक डेली रिचुअल बनाइए. दिन के 2 मिनट से शुरू कीजिए, 2 से 5 मिनट आप उसमें भी लगा सकते हैं, बहुत बड़ा टाइम नहीं है. फाइंड सम मेडिटेशन एक्सरसाइज दैट सूट्स यू. मेडिटेशन की बहुत सारी फॉर्म है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को, आपकी इंडिविजुअलिटी को कौन सी सूट करती है, क्योंकि उसमें भी अगर आप पुशिंग कर रहे हैं, आप अपने आप को ओरिएंट करने की बजाय आप दोबारा अपने साथ हार्श बिहेवियर कर रहे हैं. डोंट बी टू हार्श टू योरसेल्फ, राइट जी. देन प्लीज लुक व्हाट यू टॉक टू योरसेल्फ. अगर आपकी खुद की सेल्फ टॉक नेगेटिव है, यू कैन नॉट बी पॉजिटिव. दैट इज द बिगेस्ट एनिमी. अभी तक जो मैंने बताया था, ये सब करना है आपको, क्या नहीं करने हैं, दुश्मन कौन है आपके पॉजिटिव लाइफ के, आपके आपके खुद के दुश्मन कौन है, आपका खुद का बुली. कई बार आप देखते हैं बुली आपके एनवायरमेंट से चला जाता है, बट वी कीप ऑन बुलिंग आवरसेल्फ, क्योंकि वी बिलीव इन द बुली, वी नेवर बिलीव योर आवरसेल्फ. बिलीव ऑन योर सेल्फ दैट इट इज फाइन, इट इज फाइन. द पर्सन हैज सेड दिस थिंग मी, that doesn't validate ki I am like this. I am a person of great virtue. I am a person of great values. I am a great person. Tell yourself these positive things, positive affirmation again and again, that will keep you going. That is very important. That should be like a diet to you, right? जैसे आप खाना खाते हो, जब अभी तक हम बता रहे थे exercises के, उसके बाद diet भी तो जरूरी है ना. तो diet is positive self talk. Positive talk and self love should be your diet to your life. For this is very very important for your well-being, right? बिल्कुल सही कह रही है मिस दीपमाला ने. जो जो एक ऑर्डर बताया है वो वाकई आपको फॉलो करना चाहिए. जैसे हमने, जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप जिम जाते हैं, आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके पास एक सर्टेन डाइट होनी चाहिए, आपका एक पूरा प्लान होना चाहिए. सिमिलरली मेंटल वेलबींग के लिए भी आपके पास एक प्लान होना चाहिए. उसमें पॉजिटिविटी हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, लव हो सकता है, केयर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, और एडोलेसेंस भी हो सकता है. बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं, लेकिन इन सब को एक ऑर्डर में रखना. और जैसा हम लोगों ने बहुत साल पहले एक शायद उपदेश आया था, जिसको हमने एक टीवी सीरियल के जरिए सुना, कहने को वो भगवान का एक उपदेश है, लेकिन वही सही है कि जीवन संतुलन का नाम है. और ये जो बैलेंस यहाँ पर लाइफ में जिसकी बात हो रही है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेंटल वेलबींग बहुत बेहतर तरीके से घर में आ सकती है. क्योंकि आसान जो भी रास्ता होगा वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही आप उस पर चलना शुरू करेंगे, आपको शायद संतुष्टि ना मिले, क्योंकि वहाँ पर जो फल है वो आपकी पसंद का नहीं है. आपकी पसंद का फल जिस मार्ग पर है वो बहुत कठिन है, और वहाँ पर संघर्ष की जो डोर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो आपको खींचेंगी पीछे की ओर, आपको दाएं बाएं करेंगी, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी. लेकिन वही वो फल होगा जिसकी आपको इच्छा है और जो आप पाना चाहते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है. मेरी बात को शायद वैलिडेट करेंगी मिस दीपमाला, और ये बताएंगी कि कैसे बच्चे नॉर्मल लाइफ में अपनी, क्योंकि अब हमारे पास समय भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, सिर्फ 10 मिनट इस सेशन के बचे हैं, तो बच्चों की ओर से मैं ये एक प्रश्न कर लेता हूँ कि वो कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करें टूवर्ड्स देयर फैमिली, टूवर्ड्स देयर स्कूलिंग, टूवर्ड्स देयर स्टडीज, टूवर्ड्स देयर पैशन, जिसकी वो बात कर रही थी. क्योंकि पैशन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, जैसा उन्होंने कहा, तो आपको शायद उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना कुछ और करने में मिलेगी. राहुल जी, देखिए मैंने बड़े सारे स्टेप बताए, पर ट्रस्ट मी व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट ना, दे डोंट रिक्वायर एनी टाइम. अगर मैं यहाँ पे भी बैठी हूँ, अगर मैं 2 मिनट पॉज करती हूँ, आई जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, चार ब्रीदिंग मैं कर सकती हूँ, इट विल टेक हार्डली हाफ एन मिनट और 1 मिनट, राइट जी. एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज में कर सकती हूँ, व्हाइल टॉकिंग आई कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ माय टॉक. ओके, थैंक यू सो मच, बट थैंक यू को अपना पार्ट, ग्रेटिट्यूड को अपना पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बना सकती हूँ ना. उसके लिए मुझे अलग से बैठकर एक्सरसाइजेस शुरू में शायद सीखने के लिए करने की पड़ेगी, लेकिन देन कैन इट बिकम माय लाइफस्टाइल ना. मुझे कोई अलग से जाकर इसको टाइम देने की जरूरत नहीं है. आई कैन सेट, आई कैन क्लास पीरियड आपका ओवर होता है, थैंक यू सो मच, आज मैंने मैम से कुछ नया सीखा जी, राइट. यू कैन से यू, देयर आर ऑलवेज मूवमेंट टू से थैंक यू, देयर आर ऑलवेज मूवमेंट, राइट. लाइफ में आप देखेंगे जब आप शुरू करेंगे, अभी तक हमें लग रहा था कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि वी आर सो फोकस्ड ऑन वन थिंग. ये एक हेनरी केलर है, उन्होंने कहा भी है कि जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो हम उसकी तरफ इतनी स्ट्रांगली देख रहे होते हैं ना, कि वी फॉरगेट कि देयर आर सो मेनी डोर्स ओपन.
तो हम उस पे नेगेटिविटी पे ना फोकस करें, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइजेस तो आपको तब समझ में आएगा, ओ देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स इन माय लाइफ बट आई वाज नॉट इवन आई वाज मे बी अवेयर ऑफ, आई वाज नॉट रियलाइजिंग इट राइट। इनके लिए आपको कोई अलग से टाइम देने की जरूरत है। यू कैन से मतलब आपका पीरियड खत्म हो रहा है, हर पीरियड के बीच में आप एक लाइन या दो लाइन खुद को थैंक यू बोल सकते हो, दैट डजंट रिक्वायर मच टाइम, वो ऑलरेडी रिफोकस कर रहा है। मेडिटेशन आप लंच ब्रेक में पीरियड होने के बाद, लंच ब्रेक में खाना खाने से पहले आप 5 मिनट का अपने आपको कर सकते हैं ब्रीथिंग, कोई सिंपल सी मेडिटेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। सोते समय सोने से पहले विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपको, आजकल बच्चों को बड़े स्लीपिंग के इश्यू आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, नींद में दिक्कत आ रही है, एंड देन गो बैक टू अगेन स्क्रीन क्योंकि फर्दर उनकी नींद हैम्पर कर रही है। इसके बजाय सोते से पहले आप विजुअलाइजेशन को करेंगे अपनी लाइफ में इम्बाइब, आप देखेंगे आपको नींद बहुत अच्छे से, जब आप एक्चुअली में सीख रहे हैं बहुत अच्छे से नींद आने लगेगी, और आप एक ऐड करते हैं साथ में, जब आप पॉजिटिव कर रहे हैं ना तो आप अपने आप ऑलरेडी अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को पीछे कर रहे हैं, तो ऑलरेडी जो स्क्रीन टाइम के आप स्ट्रगल कर रहे थे ना कैसे हटाएं कैसे हटाएं, यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड अ गुड बिहेवियर ऑल्सो एंड यू ऑलरेडी हैव डिस्कार्डेड अ नेगेटिव पार्ट। तो ये सारी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस को आप अलग अलग से करने के लिए आपको कोई बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है। हॉबी के लिए मैंने कहा उसके लिए आपको शायद आधा एक घंटा निकालना पड़ेगा, बट आई गेस दिन का एक घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हैं, दैट डजंट मैटर सो मच राइट। तो वो आपको खुद ही इतनी एनर्जी दे रहा है कि जो आप थिंकिंग स्ट्रेसिंग टॉकिंग ऑन द फोन, वी आर वेस्टिंग सो मच टाइम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव थिंग राइट। तो वो सब चीजें जब आप कर रहे होंगे तो उसके आप जब पॉजिटिव करेंगे ऑलरेडी यू विल सी लॉट्स ऑफ थिंग हैज बीन रिजॉल्व, आप ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम होती है आप फटाफट फोन करते हैं अपने फ्रेंड्स को कि मैं क्या करूं, यू कीप ऑन टॉकिंग राइट, पर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता एंड यू आर लाइक इन अ लूप ऑफ बैड एक्सपीरियंस। वो बैड एक्सपीरियंस तो शायद चला गया जिसने आपको प्रॉब्लम दी थी, लेकिन इट इज क्लियर, इट इज कंटिन्यूअसली यू आर रिफ्रेशिंग रिफ्रेशिंग एंड यू आर कंटिन्यूअसली फीलिंग इन द नेगेटिव वे, तो फीलिंग चल जाएंगी, नहीं मैं तो कर रहा हूँ तुम जो बोल रहे हो मैं समझ पा रहा हूँ पर वो फीलिंग नहीं जा रही है, वो फीलिंग जाएगी नहीं क्योंकि आप बार 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 वो बोल रहे हैं कि आज मेरा ठीक नहीं हुआ, आज ठीक नहीं हुआ, आज ठीक नहीं हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, यू सो मच नेगेटिव टॉक इज देयर बट वी डोंट रियलाइज इट राइट। यू शेयर, शेयरिंग इज ऑलवेज फॉर योर गुड, शेयर फॉर वन टाइम और टू टाइम देन कीप इट शॉर्ट, समटाइम्स पीपल गिव अस गुड डेज राइट। अगर आपको लग रहा है हेल्प हो रही है तो आप बात कर सकते हैं, बात करके रख दीजिए देन टॉक समथिंग गुड विद योरसेल्फ, find try to find good and opportunity in the problem itself right। so already aapka mindset jo hai na negativity se shift hokar positivity ki taraf move karne lagta hai, this is a lifestyle, this is not something aapko baith ke karna hai, ye aapka ek lifestyle ban jayega। जी बिल्कुल, तो जब लाइफस्टाइल की बात आएगी तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जैसा कि उन्होंने कहा कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, किसी से बात करते हैं, यू जस्ट पिक अप द फोन एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, बट द थिंग इज इफ़ यू टॉक अबाउट द सोल्यूशंस तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, क्योंकि ये कहावत होती है, एक विद्वान है जिन्होंने ये कहा है कि समस्या तो सभी जगह विद्यमान है, कहाँ नहीं है, समाधान की यदि आपके पास बात हो तो चर्चा की जा सकती है। मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ आपने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो आप ज़्यादा बेहतर अपने लाइफ में कर पाएंगे, और यहीं से आपके बच्चे भी बहुत कुछ सीख पाएंगे, और जितनी जल्दी जितनी छोटी एज में वो ये सीख जाएंगे कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, वो तो लाइफ का हिस्सा है, लेकिन हमारा काम है सोल्यूशंस को ढूंढना, समाधान को ढूंढना और प्रॉब्लम्स को दूर करना, और प्रॉब्लम यथासंभव खत्म हो जाएंगी ऐसा हमारा प्रयास है। और इस सेशन से भी मुझे लग रहा है आपको बहुत काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, जिसकी वजह से आप जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स हैं, अभी तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी चाहिए, हम जो भी अपना पैशन है वो ज़रूर करें, चाहे वो डांस हो, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, कुछ भी हो, उन सब के लिए टाइम निकाला जा सकता है जो इंडोर है। अभी आउटडोर की एक्टिविटीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब समय बदल जाएगा, ऐसा नहीं है कि परेशानी हमेशा रहने वाली है, थोड़े समय का संघर्ष है, थोड़े समय की परेशानी है, उसके बाद वाकई सब फिर बेहतर होगा और फिर सुचारू रूप से हमारा दिन चल पाएगा। और मिस दीपमाला, बस अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं आखिर के, तो आप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को कंक्लूड करें विद योर वंडरफुल रिमार्क्स फॉर द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स और हम सब, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है, ये सिर्फ सेकेंडरी लेवल के लिए नहीं है, ये सब के लिए हो सकता है, क्योंकि जो एक मेंटल सिचुएशन है इस वक्त वो सभी की डिफरेंट हो रखी है, नॉर्मल किसी की भी नहीं है, और नॉर्मल नहीं है इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। True.
तो मैं आप ठीक कह रहे हैं राहुल जी। हाँ टाइम ऐसा है, थोड़ा सा टफ है और एक्सपीरियंसेस थोड़े से आजकल चैलेंजिंग हम सबको मिल रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा है प्लीज उनको फॉलो कीजिए। मैं पहले ही कह रही हूँ टाइम विल पास और सो हैज द फीलिंग्स। एंड मैं दोबारा अपनी ये बात को रिमाइंड करना चाहूंगी कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कंटिन्यूसली चैलेंज दी स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो कंटिन्यूसली इस पर वर्क कीजिए। दिस प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी। यू हैव द टाइम टू सिट डाउन एट होम एंड रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ व्हाट वेयर एंड व्हाई थिंग्स आर गोइंग लाइक दिस राइट। बट जब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो ऑल्सो ऑब्जर्व, टेक अ पॉज एंड ऑब्जर्व व्हाट इज योर मेजर थिंग्स गोइंग इन योर माइंड। दिस इज द नेगेटिविटी बायस और इज द पॉजिटिविटी बायस राइट। रिक हैंसन ने कहा भी है ब्रेन इज लाइक वेलक्रो फॉर द बैड एक्सपीरियंस व्हाइल टेफ्लॉन फॉर द गुड वन। एम्ब्रेसिंग पॉजिटिव सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है बट इट इज नॉट समथिंग वेरी इजी समटाइम राइट। इस टाइम में हम नेगेटिविटी की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं, नेगेटिविटी को कंटेजियस होते खींचने लगते हैं क्योंकि दैट इज एन एवोल्यूशनरी पर्पस वहां से आ रहा है बट वी डोंट नीड इट नाउ दैट आई थिंक यू एंड कंटीन्यूअसली चैलेंज योरसेल्फ टू रिएक्ट टू द सेम सर्कमस्टेंसेस सेम प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम विल बी सिमिलर राइट। आज उसके कारण है कोरोना के कारण आपकी पढ़ाई में दिक्कत आई है तो सब कारण भी आ सकती है बट रिएक्ट टू द सेम सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम डिफरेंट माइंडसेट। इट शुड नॉट बी इन द सेम वे ओ माय गॉड क्या हो गया। इट शुड नॉट बी ओ थैंक यू सो मच इट शुड बी लाइक दिस आई विल लर्न फ्रॉम इट टू समथिंग पॉजिटिव। आई एम श्योर अबाउट इट। आई एम श्योर ऑन माय सेल्फ आई विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कीजिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने के लिए। दिस इज समथिंग गोइंग टू स्टे विद यू थ्रू आउट द लाइफ टाइम। योर ग्रेड्स विल पास, योर सर्कमस्टेंसेस विल पास, योर फ्रेंड्स विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज बट आपका खुद का आत्मविश्वास, आपका खुद की एस्टीम आपके साथ जिंदगी भर रहती है। तो उसको प्लीज कभी भी मत धक्का देने होने दीजिए अपने सर्कमस्टेंसेस से। इट डजंट मीन यू आर इन डिनायल। It means you are accepting the things but you are taking charge of it, right? So please be open, take charge of it, accept yes, things are not bad but it does not, it should not determine what I am. I am great. My circumstances are not validation for me as a great person. You are already a great person, right? Many people have said it, your religious books, your texts are telling you I am now telling you believe in this rather than believing in negativity of the life. ठीक है, negativity को side में रखकर positivity के through चलने रखिए। आप खुद देखेंगे एक दिन कुछ ऐसा इतना बड़ा रास्ता आपके सामने खुलेगा कि you will be a great person, illuminating many other lives also, right? वो आपका life का goal होना चाहिए। जिस भी field में आप हैं, जिस भी direction में आप जा रहे हैं, please love that field, love your goals, love yourself and जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतना समय दिया और एक वंडरफुल सेशन हमको दिया, उसके लिए आपका मैं बहुत शुक्रिया कहूँगा। और आप सब भी हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। और हमारा अगला सेशन आर्ट्स का है, विजुअल आर्ट्स का पर्सपेक्टिव हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्टर सुचिता राउत उसमें हमारे साथ होंगी एज अ गेस्ट। कहीं मत जाइएगा, ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। नमस्कार। थैंक यू।